नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट डिवाइस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं इस कॉर्डलेस ड्रिलिंग मशीन के बारे में, जिसका ब्रांड नेम है बॉश GSR 120 Li। Li का मतलब है लिथियम आयन। और इसमें और एक मॉडल आता है जिसका नाम है GSB 120 Li। GSB का मतलब होता है कि उसमें हैमर फंक्शन होता है। आप बॉश का कोई भी एक ड्रिलिंग मशीन उठा लो, अगर उसमें GSB लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर हैमर फंक्शन होता है। अगर GBH लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब यह है कि उसमें रोटरी हैमर फंक्शन होता है, और ये विदाउट हैमर फंक्शन वाला ड्रिल है। और इसका जो कॉस्ट है लगभग 4000 का आपको पड़ता है। और इस मशीन के बारे में पूरी डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जब आप ये मशीन खरीदते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एक डब्बे में वो आता है, और इस तरह का कुछ पेपर कवर में वो आता है। यहाँ पे बॉश का ब्रांडिंग दिया हुआ है, और ये पर्टिकुलरली बना है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में लिखा है प्रोफेशनल। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है GSR 120 Li। यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि 12 वोल्ट और 10.8 वोल्ट का जो दो तरह के बैटरीज आते हैं वो दोनों को भी ये मशीन सपोर्ट करता है। 10.8 वोल्ट का जो बैटरी आता था वो पहले आता था, आज के तारीख में वो नहीं आता है। यहाँ पे इसका टॉर्क का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 30 और 14, मतलब यहाँ पे दो गियर्स होते हैं, ये सेकंड गियर में है और ये फर्स्ट गियर में है। अगर ये मशीन जो है फर्स्ट गियर में रहता है तो आपको 30 का न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, और दूसरे गियर में रहता है तो 14 का मिलेगा। वैसे ये इसका RPM है, फर्स्ट गियर में आपको 400 तक मिलता है और दूसरे गियर में आपको 1500 तक का RPM मिलता है। ये इसका कीलेस चक है, ये 0.8 mm से लेकर 10 mm तक का ये ड्रिल बिट सपोर्ट करता है। और जब आप स्क्रू ड्राइविंग के एप्लीकेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं तो 8 mm तक का ये स्क्रू को सपोर्ट करता है। और इसके पीछे वाले सेक्शन में भी वही स्पेसिफिकेशंस को उन्होंने रिपीट किया है। ये इसका जो वज़न है 0.97 kg लिखा हुआ है, लगभग 1 kg का आपको ये मशीन आता है। और अब ना हम इस बॉक्स को खोल के देखते हैं, आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है 7200, लेकिन ये आपको इससे भी कम में मिलता है। बॉक्स जो है कुछ इस तरह का आपको मिलता है। ये इसका मैनुअल वारंटी कार्ड वगैरह इसमें रहता है। ड्रिल जो है आपको इस तरह का मिलता है, और इसके साथ इसका चार्जर मिलता है आपको। बॉक्स की जो क्वालिटी है अच्छी है। और अब हम इस ड्रिलिंग मशीन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये जो मशीन है कुछ इस तरह का आपको दिखता है। यहाँ पे आप बैटरी लगा सकते हैं। बैटरी को निकालने के लिए इसे आपको दबाना पड़ता है और आपको बैटरी को खींचना पड़ता है बाहर। ये इसके बैटरी के स्पेसिफिकेशंस हैं। ये मलेशिया का बना हुआ है। वैसे तो ये जो ड्रिल है ये भी मलेशिया का ही बना हुआ है। इसका जो कैपेसिटी है 2 amp का दिया हुआ है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो मशीन है आपको दो वेरिएंट्स में आता है। ये सिंगल बैटरी वाला वेरिएंट आप देख रहे हैं, आपको और एक जो वेरिएंट आता है जो कि डबल बैटरी वाला में आता है। सिंगल बैटरी वाला जो वेरिएंट है आपको 2 amp का सिंगल बैटरी के साथ आता है, और डबल बैटरी वाला जो वेरिएंट है आपको 1.5 amp के दो बैटरी के साथ आता है। और उसका जो कॉस्ट है लगभग इससे 1500 ज़्यादा है। और ये इसका चार्जर है, और इसका जो केबल लेंथ है लगभग 1.5 मीटर का है। ये इस चार्जर का स्पेसिफिकेशंस है। ड्रिल और बैटरी जो है मलेशिया का बना हुआ है, लेकिन ये चार्जर जो है आपको चीन का बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो ड्रिल है आपको दोनों तरह के बैटरीज को सपोर्ट करता है, यानी कि 10.8 का भी सपोर्ट करता है और 12 वोल्ट का भी सपोर्ट करता है। वैसे उन दोनों बैटरी को सपोर्ट करने के लिए ये चार्जर भी मल्टी वोल्ट को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.8 का जो बैटरी है उसे भी ये चार्ज करता है, 12 वोल्ट का जो बैटरी उसे भी चार्ज करता है। और इसका 1 amp का कैपेसिटी है 12 वोल्ट में। और इस मशीन को कैसे चार्ज करते हैं अपन, इसके बारे में भी बात करेंगे। जब आप इस अडाप्टर को लगा के स्विच ऑन करते हैं तब आप ये देख सकते हैं ये जो चार्जर है इसमें जो ग्रीन लाइट है ये ऑन होता है, ये कॉन्स्टेंट रहता है, ब्लिंक नहीं होता है। ये ब्लिंक तब होता है जब आप इसके अंदर बैटरी लगाते हैं। यहाँ पे दो ग्रू दिया हुआ है, आपको इस बैटरी का जो ग्रू है उसे मैच करके इसे आपको लगाना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये बैटरी चार्ज हो रहा है।
और जब ये चार्जर ब्लिंक करना स्टॉप कर लेता है, यानी कि जब लाइट जो है कांस्टेंट आता है, उसका मतलब यह है कि ये बैटरी फुल है। और इस मशीन का एक ही ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको बैटरी चार्ज इंडिकेटर नहीं आता है। इस मशीन में जब बैटरी ख़त्म होता है तभी आपको पता चलता है कि इसका बैटरी ख़त्म है। ये इसका कीलेस चक है। अगर आपको कोई भी ड्रिल बिट वगैरह लगाने का है तो आप इसे मैन्युअली भी लगा सकते हैं, नहीं तो बैटरी के सहायता से भी आप इसे लगा सकते हैं। मैं आपको मैन्युअली लगा के दिखाता हूँ। पहले हम इस ड्रिल बिट को इसके अंदर लगाएंगे, उसके बाद हम इस चक को ऐसे घुमाएंगे। जब ये चक घुमाना हार्ड होता है उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा इसको फोर्स लगाएंगे। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका मैनुअल प्रोसीजर है, निकालने के लिए भी वही प्रोसीजर है, आप वैसे हाथ में भी निकाल सकते हैं। पावर में कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। ड्रिल बिट को लगाने के लिए ये फर्स्ट गियर में हो या सेकंड गियर में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर चक क्लोज हुआ है तो हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको इस बटन को दबाना पड़ता है, आपको इसे रिवर्स घुमाना पड़ता है, लेकिन आपको जो चक है इसे हाथ में पकड़ना चाहिए। उसके बाद वही प्रोसीजर है, आप इस ड्रिल बिट को इसके अंदर लगाएंगे, इस सिलेंडर को फॉरवर्ड में लगाएंगे, उसके बाद एक हाथ में चक पकड़ के आप इसे टाइट करेंगे। ये टाइट हो चुका है। अभी जो आपको आवाज़ आया है कि ये अभी यहाँ पे टॉर्क मोड में लगाया है। अगर आप इसे टॉर्क मोड से हटाएंगे तो ये आपको आवाज़ नहीं करता है। निकालने के लिए भी वही प्रोसीजर है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये टॉर्क मोड में रहता है तब ये आपका चक जो है बाहर नहीं आता है, क्योंकि कम टॉर्क अप्लाई हो रहा है। निकालना है तो आपको जो टॉर्क सिलेटर है उसे क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद हम रिवर्स में लगा के चक को पकड़ के ट्रिगर दबाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चक है कैसे काम करता है ये आप समझ चुके होंगे। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया ये टॉर्क सिलेक्टर है। इस मशीन में आपको 30 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलता है। आपको इस मशीन को टॉर्क सिलेक्टर में तब लगाना है जब आप इस मशीन के साथ स्क्रू ड्राइविंग करते हैं, यानी कि ये जो बटन होता है ये फर्स्ट गियर में होता है। अगर आप वन पोजीशन में लगाएंगे तो आपको बहुत ही कम टॉर्क अप्लाई होता है, और अगर आप 20 के पोजीशन में लगाएंगे तो आपको इसका मैक्सिमम जो टॉर्क है वो आपको मिल जाता है, यानी कि 30 न्यूटन मीटर्स। और आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये 1 न्यूटन मीटर है, 5 न्यूटन मीटर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिर्फ एक टॉर्क सिलेक्टर है। जब ये फर्स्ट गियर में रहता है तभी आपको इसे ऑपरेट करना होता है, यानी कि जब आप स्क्रू ड्राइविंग वगैरह यूज़ करते हैं तभी आपको टॉर्क का एप्लीकेशन आता है। अगर आप ड्रिलिंग करते हैं तो आपको टॉर्क नहीं लगाने का है, क्योंकि टॉर्क लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो आपको इस टॉर्क सिलेक्टर को दूसरे पोजीशन पे लाना पड़ता है, यानी कि सेकंड गियर पे लाना पड़ता है। उसके बाद इसे आपको ऐसे घुमाना पड़ता है। यहाँ पे आप किधर भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये जो टॉर्क सिलेक्टर है इससे ये बाईपास हो जाता है। ये इसका सिलेक्टर है, फॉरवर्ड और रिवर्स सिलेक्टर है। ये बटन जो है अगर आपके तरफ रहता है तो ये फॉरवर्ड घूमेगा, अगर आप इसे दबाएंगे तो ये रिवर्स घूमेगा, अगर आप इसे बीच में लगाएंगे तो ये जो ट्रिगर है ये लॉक हो जाता है। अगर आप इसे बैग में लगा रहे हैं या किधर भी कैरी करके लेके जा रहे हैं तो ये एक सेफ्टी सुविधा है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वही जो मैंने आपको इसके बॉक्स में दिखाया था। यहाँ पे आपको रबर ग्रिप मिलते हैं। आपको मैं याद दिला दूँ ये बॉश कंपनी का है। इसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी होता है रफ एंड टफ होता है, और जब भी आप इसे पकड़ते हैं आपका जो पकड़ होता है हमेशा मजबूत होता है। अगर आप कोई भी कॉर्डलेस ड्रिलिंग मशीन पहली बार खरीद रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है इसे देख के कि ये बहुत ही लाइट वेट है। ये जो मशीन है एग्जैक्टली 1 kg का है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये विदाउट बैटरी है और ये विद बैटरी है। अभी आप देख सकते हैं ये जो बैटरी है अभी फुल चार्ज हो चुका है। ये जो बैटरी है लगभग आधे घंटे 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज होता है मेरे एक्सपीरियंस में। और कृपया आप कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि इसका बैटरी लाइफ कितना आता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीडिंग आपको नहीं मिलता है, ये आपके यूजेज के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप कॉर्डलेस ड्रिल प्रेफर करते हैं कंटिन्यूस यूज़ के लिए तो आपको इसका जो और एक वेरिएंट है मैंने बताया डबल बैटरी वाला, 1.5 amp वाला आपको 2 battery मिलते हैं, उसी को आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बैटरी जब काम पे इस मशीन पे रहता है दूसरी बैटरी जो है चार्ज पे रहता है।
और अगर आप इस मशीन के साथ कोई भी स्क्रू ड्राइवर का बिट खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको ये सुझाव करता हूँ कि आप ये वाला जो बॉश का स्क्रू ड्राइवर बिट सेट आता है आप इसे खरीदना चाहिए। इसका जो क्वालिटी है अच्छा है, इसमें आपको ज़्यादातर जो भी आपको स्क्रू ड्राइवर बिट चाहिए आपको सब कुछ मिलते हैं। आपको स्लॉटेड मिलते हैं, PH मिलता है, PZ मिलता है, उसके बाद आपको होल वाला और बिना होल वाला टॉक्स सेट मिलता है आपको। और इसका जो सबसे बड़ा टॉक्स की है वो 40 का आपको आता है। ये आपका मैग्नेटिक बिट होल्डर है, लगाने के लिए कुछ इसे आपको पीछे खींचना पड़ता है, इसके बाद इसके अंदर इसे डालेंगे और इसे छोड़ देंगे, उसके बाद मशीन के अंदर आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप इसे अलग से खरीदना चाहते हैं, इसका जो कॉस्ट लगभग आपको 900 के रेंज में रहता है, और अगर आप इस मशीन के साथ खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट के साथ ये वाला चीज़ आपको मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ये 10 mm का है। ये कॉन्क्रीट बिट है 10 mm का, जो कि ये सपोर्ट तो करता है लेकिन ये कॉन्क्रीट के लिए ड्रिल नहीं करेगा। कृपया आप इस मशीन को कंक्रीट में मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इसके जो अंदर प्लास्टिक का गियर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टूल होते हैं, हमारे काम के हिसाब से ही हमें मशीन चूज़ करना पड़ता है। और अगर आपको पर्टिकुलरली कंक्रीट के लिए ही एक मशीन चाहिए ड्रिल करने के लिए, तो आपको इसका जो GSB वर्शन आता है तो आपको उसे लेना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक ड्रॉबैक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो ड्रिल बिट है ये पर्टिकुलरली कंक्रीट के लिए बना हुआ है, लेकिन ये प्योर स्टील का है, इसमें कोई आपको कार्बाइड का टिप नहीं मिलता है। वैसे तो मैं ड्रिल बिट के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जल्द, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये इसका स्क्रू ड्राइवर बिट है, ये कुछ गोल्ड फिनिश में आपको आता है। इसमें और एक मिलता है आपको, कुछ ब्लैक कलर का आता है, बॉश का ही आता है। ब्लैक कलर का जो कॉस्ट है आपको 20 रुपये का आता है, उसका जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं रहता है, उसका जो बिट है वो ख़राब हो जाता है। ये कुछ 40 रुपये का आपको मिलता है, अच्छा है। और अगर आप मेटल के लिए ड्रिल बिट लेना चाहते हैं तो आप ये वाला सेट ले सकते हैं, इसका जो कॉस्ट लगभग आपको 700 के अंदर आता है। अभी मैं आपको इस मशीन को टेस्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अभी आपको स्क्रू ड्राइविंग करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इस नॉब को कम से कम टॉर्क पे सेट किया है, मतलब अभी आप एक के सेटिंग में आपको कितना एनर्जी आता है, यानी कि कितना टॉर्क आता है स्क्रू ड्राइविंग के एप्लीकेशन के लिए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बीच वाले टॉर्क में भी सेटिंग करके दिखाऊँगा, उसके बाद फाइनल टॉर्क में भी आपको सेटिंग करके दिखाऊँगा। ये अभी 1.5 इंच का एक स्क्रू है। अभी इसके बाद ये नहीं घूमेगा क्योंकि इसका जो टॉर्क है वो बहुत कम सेटिंग पे है। अभी मैं इसे 10 के लिए लगा देता हूँ। अब ये जो लकड़ी है ये इसे लोड दे रही है, इसके वजह से ये अभी यहाँ तक ही गया है क्योंकि ये अभी 10 के सेटिंग पे है। अभी मैं इसे फुल टॉर्क पे सेट करूँगा, यानी कि 20 के लिए। ये लगभग 1.5 इंच का एक स्क्रू था, ये अभी जो है ये लगभग 2/4 इंच का है, यानी कि 2.25 इंच का है।
और दोस्तों मैं अभी इसी स्क्रू को यानी कि 2.25 इंच के स्क्रू को कॉर्डेड ड्रिलिंग मशीन जो है GSP 550 इसमें लगा के आपको दिखाता हूँ। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं आपको कौन सा मशीन लेना चाहिए स्क्रू ड्राइविंग के एप्लीकेशन के लिए। अभी आपने देखा है कि ये तुरंत अंदर गया है, यानी कि इसका जो टॉर्क का जो कंट्रोल है ये मेरे पास नहीं है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अगर आप इसमें धीरे धीरे से ट्रिगर दबाएंगे तो इसका जो इनिशियल टॉर्क है वो आपको नहीं मिलता है, इसमें आपको हमेशा कांस्टेंट टॉर्क मिलता है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही बिट है जो मैंने आपको बताया 20 रुपये का, इसका क्वालिटी जो है आप देख सकते हैं ये जल्दी ख़राब हो जाता है। आपने ये देखा कि इस मशीन में आप कम RPM लगा नहीं सकते हैं इस स्क्रू को ड्राइव करने के लिए। अगर आप कम RPM पे यानी कि आप धीरे धीरे से ट्रिगर दबा के आप इसे घुमाएंगे तो ऐसा होता है कि इसका जो टॉर्क है इस मशीन का इस पर आपको अप्लाई नहीं होता है स्क्रू ड्राइविंग के एप्लीकेशन के लिए। ये ड्रिलिंग मशीन जो है ड्रिल करने के लिए ही सही होता है, स्क्रू ड्राइविंग के एप्लीकेशन के लिए नहीं। इस मशीन को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसका जो टॉर्क है ये कांस्टेंट नहीं है। आपको जो टॉर्क ये प्रोड्यूस होता है ये हाई RPM पे ही प्रोड्यूस होता है। आप जब स्क्रू ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो कम RPM पे हाई टॉर्क पे ही आपको करना चाहिए, जो कि आपको इस मशीन नहीं देता है। ये जो बिट है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ये अभी मैंने बताया आपको 40 रुपये का बिट है। और अभी मैं आपको इस मशीन का जो आखिरी कैपेसिटी है यानी कि 8mm का जो स्क्रू ड्राइविंग ये कर सकता है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक 8mm का SS का स्क्रू है। और दोस्तों अभी आपने देखा जितने का इसका स्पेसिफिकेशन मेंशन किया हुआ है उसी के हिसाब से ये इस स्क्रू को ड्राइव देता है, यानी कि 8mm का जो स्क्रू है ये आराम से अंदर जाता है हार्डवुड में। अब हम मेटल के ऊपर टेस्ट करेंगे और आपको ड्रिल करके दिखाएंगे। और ये जो प्लेट देख रहे हैं आप ये 4mm का प्लेट है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इसके सामने एक आपको LED लाइट आता है जिससे आपको ड्रिल करने में सहायता हो सकती है। जो ब्राइटनेस है मतलब ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं। ये अभी सेकंड गियर में था, मैंने अभी फर्स्ट पे लगा दिया। ये अभी मैंने 5 का बिट लगा लिया है, मैं विदाउट पायलट होल डायरेक्टली ड्रिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको जोर लगाना पड़ता है, वैसे तो ये ड्रिल बिट जो है थोड़ा सा डल हो चुके हैं, मैंने काफ़ी टाइम हुआ है इसे शार्प नहीं किया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप इसे पावर मोड में इस ड्रिल को बाहर नहीं निकाल सकते ड्रिल बिट को, तो आपको मैनुअल ही इसे निकालना पड़ता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि ये 10mm का ड्रिल कर सकता है मेटल में, वो डायरेक्टली आपको 10mm का ड्रिल आप नहीं लगा सकते हैं, आपको पायलट होल लगा के धीरे धीरे से साइज़ इसका जो होल का होता है वो उसे बढ़ाना पड़ता है।
इसमें आपको ड्रिल करने के लिए कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ता है। ये मशीन आसानी से इसके अंदर होल, ये 16 गेज का मटेरियल है यानी कि 1.67 mm कुछ। इसमें भी आपको मैं 4 mm का ड्रिल बिट लगा के दिखाता हूँ। बहुत आसानी से होल हो जाता है। ये जो है 5 mm का ड्रिल बिट है। ये अभी 6 का है। ये अभी 7 का है। ये जो ड्रिल बिट है थोड़ा सा शार्प था, इसे मैंने बहुत कम यूज़ किया है 7 mm का, और बाकी के जो ड्रिल बिट्स है उसका जो कटिंग है जो होता है वो थोड़ा सा डल हो चुका है। ये अभी 9 mm का ड्रिल बिट है। ये अभी इस मशीन का आखिरी कैपेसिटी है 10 mm। अब इसे ज़्यादा करने के लिए इस मशीन के ऊपर अभी ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक ही इसे स्टॉप करूँ। और वैसे तो मैं मेटल के ऊपर ड्रिलिंग करने के लिए इस मशीन को यूज़ नहीं करता ज़्यादातर। आपको कॉर्ड ड्रिल जो है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, आराम से आप कर सकते हैं। और ये जो मशीन है आपको मेटल से ज़्यादा, आप ये लकड़ी और पीवीसी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। मेटल के लिए आपने देखा कि ये मशीन कितना स्ट्रगल करता है। ऐसा नहीं कि ये मशीन 10 mm का ड्रिल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आपको पायलट होल से शुरू करना पड़ता है यानी कि 4 mm लगाना पड़ता है, उसके बाद 5-6 ऐसे आपको बढ़ा के आपको 10 mm तक का आप इसमें होल कर सकते हैं। इस तरीके का जो प्रोसीजर है हमें ये पसंद नहीं है। हमें 1 या 2 पायलट होल में 10 mm का ड्रिल होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्टली 10 mm का ड्रिल करना है तो आपको ड्रिल प्रेस का ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें कोई आपको बैटरी इंडिकेटर नहीं आता है कि इसमें कितना बैटरी बचा है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप इसे यूज़ करते हैं तो ये तुरंत बंद हो जाता है, उसका मतलब इसका जो बैटरी है ख़त्म है। वो एक बार वैसे बंद होने के बाद भी ये मशीन चलता है थोड़ी देर तक। ये जो अभी बैटरी है ये लिथियम आयन का बैटरी है। अगर इस मशीन में अगर निकल कैडमियम का बैटरी होता है तो क्या होता है कि जब बैटरी का जो कैपेसिटी वो कम होता है, उसका जो चार्ज रहता है वो कम होता है, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी कम होता है। लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं होता है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है। ये बिल्कुल आपके मोबाइल की बैटरी की तरह काम करता है। अगर आपका मोबाइल 100% बैटरी में है तो आपको वही परफॉर्मेंस मिलता है, और अगर आपका मोबाइल जो है 5% बैटरी में है तो भी आपको वही परफॉर्मेंस मिलता है। आपका डिस्प्ले जो है वो डिम नहीं होता है, उसी तरह आपको ये मशीन काम करता है। अगर आप निकल कैडमियम के बैटरी वाले मशीन लेते हैं आज की डेट में 2020 में, वो सही नहीं है। आपको लिथियम आयन बैटरी ही प्रेफर करना पड़ेगा। आपने देखा होगा ऑनलाइन पे निकल कैडमियम के बैटरी वाले भी ड्रिल सेल होते हैं, वो वाले बैटरी का जो लाइफ है वो भी कम होता है, उसका जो कैपेसिटी होता है वो भी कम होता है, इसलिए लोग लिथियम आयन बैटरी को प्रेफर करते हैं। अगर आप इस मशीन को बहुत देर तक यूज़ करते हैं यानी कि लगभग आप 15-20 मिनट तक इसे यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोड आप इसके ऊपर डालते हैं तो ये थोड़ा सा गर्म होता है, बहुत गर्म नहीं होता है, वार्म होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि ये जब ये गर्म होता है तो आप इसे यूज़ करना बंद करें। इसके जो ब्रशेस हैं वो आप नहीं बदल सकते हैं बाकी पावर टूल्स की तरह। अगर आपको ब्रशेस बदलने वाला एक कॉर्डलेस ड्रिलिंग मशीन चाहिए तो आपको GSB 180 वाला लेना पड़ेगा, बॉश का मॉडल है। उसमें आपको एक्सटर्नल ब्रश चेंज करने के लिए सुविधा दिया हुआ है। और अगर इस मशीन का अगर ब्रश ख़त्म होता है तो आपको इसके अंदर का जो छोटा सा मोटर होता है वही आपको बदलना पड़ता है, और इस मशीन में आपको 6 महीने की वारंटी मिलती है। और दोस्तों, अगर आप एक ड्रिलिंग मशीन ढूंढ रहे कॉर्डलेस ड्रिलिंग मशीन बैटरी ऑपरेटेड आपके मेटल के काम के लिए, तो मैं आपको इस मशीन को उतना सजेस्ट नहीं करता। अगर आपका 4 mm या 5 mm तक का ड्रिलिंग का ऑपरेशन है तो ठीक ठाक है,
उससे ज़्यादा अगर आप ड्रिलिंग करते हैं तो उतना कैपेसिटी इस मशीन में नहीं है। ये कोई कॉर्डेड वाला बहुत ही बड़ा मोटर वाला ये कोई मशीन है, ये बहुत ही छोटा वाला मोटर वाला मशीन है। पोर्टेबल यूज़ के लिए काफ़ी है। अगर आपके गांव में या घर में ज़्यादातर पावर वगैरह नहीं रहता है और अगर आपको इधर उधर घूम के लेके जाना पड़ता है मशीन को, तब तो ये ठीक है, लेकिन और प्रोफेशनल यूज़ के लिए उतना कुछ खास ये मशीन नहीं है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस मशीन के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो मैंने इसका परचेस लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप मेरे वेबसाइट भी देख सकते हैं। और सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द एक वीलॉग का चैनल भी बनाऊँ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को भी विजिट करें। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।